वैगनर है के सीरीज, जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी है मारुति सुजुकी वैगनर के सीरीज। इसका चेक इंजन लाइट आ रहा है गाड़ी स्टार्ट रहने के बाद भी, ठीक है। चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। गाड़ी बंद करना है, मिशन ऑन करना है, इसका कनेक्टर, ये लग गया कनेक्टर, यहाँ पे लगता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या इसमें। मारुति मारुति न्यू मॉडल के मॉडल कभी की गाड़ी 2012 तो मेरे ख्याल से इसको ओल्ड में जाना चाहिए था। देखते हैं कैसे जुड़े कैसे कैसे में डालना। ये कोड आ रहा है इसमें, क्या हो गया? अलाउ करो ना, अलाउ करो, अलाउ, यस करो उसको। एक बार ऑफ करना चाहिए अभी, फिर स्टार्ट। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, क्या कहते हैं, चेक इंजन लाइट चले गया इसमें, बट इसका सेंसर खराब है, चेक करना पड़ेगा इसमें क्या है। देखते हैं इसकी क्या ड्यूटी है, ठीक है। अभी रेड फोल्ड कोड में जाएंगे, नो डीटीसी, नॉर्मल, यानी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा अभी। ये तो अभी नहीं आ रहा, जैसा कि ये देखो चेक इंजन लाइट अभी आ रहा है, स्टार्ट करने के बाद चले जा रहा है, नो डीटीसी। ये सेंसर का आ रहा है, ये सेंसर का प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये सॉकेट का बता रहा है, सॉकेट लूज कॉन्टैक्ट है, इसके लिए उसका आ रहा था। ये एक बार निकालो वापस, देखो लाइट आ जाएगा, ये बराबर लॉक नहीं हो रहा है, इसके लिए ये लाइट आ रहा है कभी कभी, ये सॉकेट का प्रॉब्लम। लॉक तो हो रहा है, नहीं है, निकल जा रहा है, हाँ ठीक है ना, निकाल के रखो, देखते हैं रिसर्च करते वापस आते, जैसे सॉकेट निकाले देखो आप। रेड फोल्ड कोड उसका ही वही है, करंट मेल फंक्शन यानी ऑन, करंट वरेंट जाता है वहाँ पे, तुम सॉकेट का बना दो, अंदर से वायर थ्रो बंद कर दो, पिन एक दो महीने एक वो लगा दो ना उसको, टाइक्लिप, टाइक्लिप लगा दो, टाइक्लिप पड़ा है, टाइक्लिप लगा दो, जा छोटू टाइक्लिप लेकर। आ गया ना वापस, वापस से लाइट आ रही है क्योंकि सॉकेट निकाल के लगाया वापस, एक बार वापस से इसको क्लियर करके देखते, क्लियर हो गया ये क्योंकि इन्वर्टर पर देख सकते हो लाइट चली गई, तो उसका लूज कॉन्टैक्ट था, इसके लिए लाइट बार बार आ जा रही है। अभी इस गाड़ी को ट्रायल मार के देखते नहीं आता, आना लाइट आना नहीं चाहिए।